हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, एक बार बेसिक देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट क्या होगा सेम होगा और पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखो इस सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट क्या है सेम है, मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट पूछे तो क्या होगा I, R2 के अक्रॉस भी कोई पूछे तो क्या होगा I, लेकिन R1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल पूछे तो यहाँ पर क्या होगा V1, यहाँ पर क्या होगा V2। मतलब यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन से हम क्या समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा हर वायर के अक्रॉस डिफरेंट होगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस R1 है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा V1, करंट क्या है रहेगा I, R2 रेजिस्टेंस है, इसमें पोटेंशियल क्या होगा V2, करंट क्या रहेगा I। अब देखो यहाँ पर V1 is equals to क्या हो जाएगा I R1, ठीक है ओम्स लॉ है ये। V2 is equals to क्या हो जाएगा I R2, V is equals to V1 plus V2, यहाँ पर क्या हो जाएगा V is equals to I R, इक्विवेलेंट हमको निकालना है तो V is equals to I R1 plus V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I R2, तो यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 plus R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको नॉर्मली ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा सेम और पोटेंशियल क्या रहेगा डिफरेंट। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट इसके अपोजिट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो तो क्या रहेगा सेम रहेगा और करंट क्या होगा डिफरेंट होगा। इसमें सबसे पहले देखो कि ये जो वायर है, ये R1 रेजिस्टेंस वाला जो वायर है, ठीक है यहाँ से करंट I चला, डिवाइड हो गया, I1 करंट यहाँ चला गया, I2 करंट यहाँ चला गया, ठीक है, और वापस से I is equals to हमारे पास क्या है यहाँ पर I is equals to हमारे पास क्या है I1 plus I2। अब देखो यहाँ पर से करंट I1, ये यहाँ से I2, तो ये यहाँ पर मिलके क्या आ गया I, I करंट वापस से चला गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल क्या है, हर वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है, ठीक है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा V होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम है लेकिन दोनों के अंदर करंट क्या है डिफरेंट है। ठीक है अभी न्यूमेरिकल्स करोगे जब समझ आएगा। I1 is equals to इस वायर के क्रॉस क्या हो जाएगा V by R1, क्योंकि करंट डिफरेंट है। I2 is equals to क्या हो जाएगा V by R2, हमको करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। I is equals to I1 plus I2, I is equals to V upon R equivalent is equals to V by R1 plus V by R2, तो 1 upon R equivalent किसके इक्वल हो जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2। अगर तुमको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सीरीज में हमको R इक्विवेलेंट सॉल्व करना है तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है, ठीक है, और अगर हमको पैरेलल में करना है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको क्या निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना, हमको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ये कितना दे रखा है हमको 4 ओम दे रखा है। हमसे क्या पूछा है R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो R इक्विवेलेंट कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने तुमको क्या बताया सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम लेकिन सबके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट, लेकिन हमसे इन दोनों के बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो कितना हो गया 3 बाय 4, तो यहां पर R इक्विवेलेंट हम क्या लिख लेंगे 4 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें भी हमको क्या फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें आप लोग देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 ओम दे रखा है, यहाँ पर हमको 3 ओम दे रखा है, और यहाँ पर हमको ये क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको कितना दे रखा है 2 ओम दे रखा है। ठीक है अब इसके अंदर भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब देखिए करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, इधर गया आई,
आई वन इधर गया, आई टू इधर गया, तो इस ब्रांच में तो आई वन ही चलेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमको कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू कितना, सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया, 9 ओम हो गया। अब पैरेलल में हमको कितना हो गया, 9 ओम और 2 ओम किस कंडीशन में, पैरेलल में है, तो पैरेलल में करने के लिए 1/9 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 18, 2 9 18, यहाँ पर क्या हो गया, 11/18, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 18/11, यहां तक समझ आ गया। देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें सपोज करो करंट यहाँ से चला आई, तीन ब्रांचेस में, यहाँ पर आई वन, यहाँ पर आई टू, यहाँ पर आई थ्री। अब देखो ये 2 ओम और 1 ओम किस में दिख रहे हैं हमको, सीरीज में, तो 2+1 कितना हो गया, 3 ओम, यहाँ पर भी 2+1 ये सीरीज में, तो कितना हो गया, 3 ओम। अब ये 3 ओम 3 ओम पैरेलल में कर लो, 1/3, आंसर तो 1 ही आएगा, 1/3 प्लस 1/3, तो कितना, 3/3, तो कितना हो गया, 1 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 ओम। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो, यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम मिला के कितना हो गया, 3 4 5 6, कितना ओम हो गया, ये 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और ये हमारे पास 6 ओम और ये 3 ओम हमको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो 6 ओम और 3 ओम का निकालो, 1/6 प्लस 1/3 कितना आ गया, 6 LCM लेंगे, 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 ओम। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करो, इसको रब कर लो, इतने वाले पार्ट को रब कर लो, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ओम दे रखा है हमको। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट निकाली है, यहाँ पर कितना आ गया, 2 ओम। अब देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम मिला के टोटल कितना हो गया, ये 6 ओम। अब वापस से 6 ओम और 3 ओम, अभी अपन ने निकाला, कितना आ गया, ये 2 ओम। अब देखो 2 ओम 2 ओम 1 ओम कितना हो गया, 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 ओम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले उन तीन को सॉल्व करना है, फिर पैरेलल में, फिर उसके बाद वापस से सीरीज, फिर पैरेलल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, देखो मैं इसको रफ करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, करंट इन ऑल रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। अब देखो यहां पर तुमको क्वेश्चन में सर्किट गिवन है, तीन रजिस्टर्स हमको गिवन है। देखो अब यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, 4 ओम, यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, 6 ओम, यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पर हमको कितना दे रखा है पोटेंशियल, 12 वोल्ट दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, करंट निकालना है, एक तो हमको ऑल रजिस्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से करंट सपोज करो मैंने माना आई चला, यहाँ पर भी करंट आई, यहाँ पर भी करंट आई, आई और आई लौट कर आ गया, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर V1 मैंने माना, यहाँ पर क्या माना, V2, यहाँ पर मैंने क्या माना, V3। अब सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन में हमको निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो अब R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो क्या हो गया, 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया, 6 4 10 12, ठीक है, 12 ओम हमारे पास आ गया। अब देखो अब हमको फर्स्ट कंडीशन में I की वैल्यू मैं निकालू, करंट तो सब में सेम होगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V/R, V हमको कितना दे रखा है, 12, R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, 12, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। अब देखो तुमको मेन बात ध्यान रखनी है, सबके अक्रॉस तुमको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। तो V1 अगर तुम निकालोगे, V1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, IR1, क्या हो जाएगा, V1 IR1, करंट तो सब में सेम है, तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 1, R1 हमको कितना, 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 वोल्ट। V2 मुझे निकालना है, तो V2 क्या हो जाएगा, IR2, I की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू कितनी, 6, तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। V3 अगर मैं निकालूं, V3 इज इक्वल्स टू IR3, तो कितना, 1 × इसकी वैल्यू कितनी, 2 वोल्ट। अब एक बार देख लो करके, टोटल 12 वोल्ट के इक्वल है ना, कितना आ गया, 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो सबके अक्रॉस ये क्या है, पोटेंशियल डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत ज्यादा इजी है। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीरीज में हमको सब दिख रहे हैं 2+3+1 कितना हो गया 5 ओम। इसके बाद करंट I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है V बाय R, V हमको कितना दे रखा है 12, R की वैल्यू कितनी है 5, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 12/5। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हमको कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों ब्रांचेस के क्रॉस सेम होगा। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/6+1/3, 6 एलसीएम ले लेंगे 1+2 तो क्या हो गया 3/6, 3, 2 + 6 तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 ओम। अब देखो इसमें मेन बात क्या है, हमको निकालना क्या है, आई निकालना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा वी बाय आर वन, क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर वन, वी हमको कितना दे रखा है 12, ठीक है। आई वन हमको निकालना है, आर वन की वैल्यू इसको मैंने आर वन माना कितना 3, तो यहाँ पर 3 4 तो यहाँ पर कितना आ गया 4 एम्पियर। जैसे अगर मुझे आई टू निकालना है तो वी बाय, देखो अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, आर इक्विवेलेंट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/6+1/3, 6 एलसीएम ले लेंगे 1+3 2 6 कितना आ गया 3/6, तो 3 2 6 तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास 2 ओम। अब तुम लोग देखो हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी हमको कितना गिवन है 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना 2, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 6 एम्पियर। यहाँ से कितना एम्पियर करंट चला, 6 एम्पियर करंट चला, अब इन दोनों में डिवाइड हो गया, तो अब हम लोगों को निकालना क्या है आई वन और आई टू निकालेंगे, ठीक है। तो आई वन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा वी बाय आर वन, वी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू हमारे पास कितना है 12, आर वन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, आर वन इसको मान लेते हैं कितना 3, तो यहाँ पर कितना आ गया आई वन कितना आया 4 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आई टू मुझे अगर निकालना है तो आई टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाय आर टू, वी कितना दे रखा है 12, आर टू की वैल्यू कितनी 6, तो 6 2 12, मतलब देख लो आई वन प्लस आई टू किसके इक्वल आना चाहिए आई के, तो आई वन कितना आया हमारे पास 4, आई टू कितना आया 2 और आई के इक्वल, तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 एम्पियर। ये देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, इस कंडीशन में भी हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों किसके अंदर पैरेलल में, ये किसके, अब ये इनके साथ ये क्या है सीरीज में है, तो सबसे पहले 6 और 3 का हम लोग इतनी बार निकाल चुके हैं 1/6+1/3, तो कितना है ये 2 ओम आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना 1/6+1/3 2 ओम, 2 ओम + 2 ओम आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो। अब देखो यहाँ पर हमको आई निकालना है, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी कितना दे रखा है 12, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 4, तो 4 3 12, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। अभी यहां से करंट चला कितना 3 एम्पियर का करंट चला, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ आई वन और आई टू, अब हमको निकालना क्या है आई वन आई टू, उससे पहले हम क्या निकालेंगे पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ का वी टू नहीं मिलेगा हम निकाल नहीं पाएंगे, तो वी वन और वी टू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वी वन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा आई आर वन हो जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 3 एम्पियर है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 वोल्ट। अब वी वन अगर 6 वोल्ट है तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पर लग जाएगा कितना होगा 6+6 12, तो यहाँ पर क्या होगा वी टू निकालने की जरूरत ही नहीं, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अगर वी टू भी तुमको निकालना होता तो वी टू इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट ले लेते, आई की वैल्यू कितनी थी 3 और ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 2, तो 3 2 6 वोल्ट, वी वन वी टू 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब देखो अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया था, अब मुझे निकालना क्या है आई वन निकालना है, तो आई वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाय आर वन, इस केस में वी कितना है 6 वोल्ट और यहाँ पर इसको आर वन मैंने ले लिया 3, तो 3 2 6। अगर सपोज करो 2 एम्पियर का करंट इधर चला गया तो 1 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं वी बाय आर टू, तो वी कितना 6, आर टू की वैल्यू कितनी 6, तो 1 एम्पियर। तो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू आई, तो आई वन प्लस आई टू कितना, आई वन कितना 2+1 इज इक्वल्स टू आई, तो आई कितना आ गया 3 एम्पियर आया था ना हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 3 एम्पियर, तो करंट क्या होगा डिवाइड हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखो अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हम आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये तीनों किस कंडीशन में, पैरेलल में। तो पैरेलल में कर लो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 2 3 6 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6/6 कितना आ जाएगा, ये 1 ओम, ठीक है। 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, टोटल मिला के आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 + 4 + 1, तो कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, 6 ओम। I निकाल लेंगे, I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट, V हमारे पास कितना है 12, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6, तो 6 × 2 = 12, करंट कितना है 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से कितना एम्पियर करंट चला, 2 एम्पियर करंट, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर करंट इन तीनों ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और वापस से यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तीनों कंडीशन में अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लें, यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 2, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4, तो 4 × 2 = 8, तो इस कंडीशन में कितना आ गया 8 वोल्ट। अब मैं यहाँ पर निकालूं, करंट 2 एम्पियर है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आई कितना हमारे पास 1 और ये सॉरी I की वैल्यू कितनी 2, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 वोल्ट। अब देखो 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट और 2 वोल्ट तो इधर चला गया, तो टोटल कितना हो गया 8 10, बाकी बचा हुआ 2 वोल्ट इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2 वोल्ट। अब तो बहुत आसान है, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर अब करंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो आई वन हमारे पास क्या हो जाएगा वी बाय आर वन, I2 is equals to क्या हो जाएगा V by R2, ऐसे करके तुम लोग निकाल लो, V की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 2/3, V की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पर कितना 1 एम्पियर। इसके बाद I3 हमारे पास क्या होगा V by R3, V की वैल्यू कितनी 2 और यहाँ पर कितना 6, तो कितना हो गया 1/3, तीनों को टोटल करोगे तो टोटल करंट निकल के कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब तक तुम लोग इनकी प्रैक्टिस करना।